हमास और इसराइल के बीच बीते 5 महीने से जंग जारी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के घातक हमले के बाद से ही दोनों पक्ष आमने सामने हैं। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के अब तक के सभी प्रयास विफल रहे हैं। अब खबर आ रही है कि इसराइल दक्षिण गाजा के रफा में सैन्य अभियान शुरू करने की योजना में है। आपको बता दें कि रफा वही जगह है जहां गाजा में इजरायली हमलों की वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक शरण लिए हुए हैं। हालांकि इजरायल के रफा में सैन्य अभियान शुरू करने की योजना पर कई देशों और संगठनों ने चिंता जाहिर की है। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने भी रफा पर हमले को अनावश्यक अतिरिक्त कदम बताया और उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध रोकने का आह्वान किया जाएगा। ब्लूमबर्ग ने ओलमर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रफा पर आक्रमण एक ऐसा खतरा होगा जिसे हम यानी इजरायली लोग झेल नहीं पाएंगे। हालांकि नेतन्याहू का विचार ओलमर्ट के विचार से बिल्कुल अलग है, क्योंकि नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग युद्ध का विरोध करते हैं वे गाजा में हमारी हार का स्वागत कर रहे हैं और ओलमर्ट युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि रफा पर हमले की योजना को लेकर नेतन्याहू की कैबिनेट और सेना दोनों के विचार अलग हैं। कुछ समय पहले नेतन्याहू और इजरायली कमांडर इन चीफ हर्जी हलेवी के बीच मनमुटाव की खबरें भी आई थी। दरअसल नेतन्याहू रफा में सीधी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि हलेवी इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले जरूरी शर्तें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन शर्तों में मिस्र के साथ समन्वय में रफा से फिलिस्तीनियों की निकासी भी शामिल है। हालांकि जिस तरह से विभिन्न दबावों के बावजूद नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है, उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू युद्ध के उद्देश्यों और अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के बीच उलझ रहे हैं। माना जा रहा है कि गाजा पर युद्ध जारी रखने और इसे पूर्ण जीत के रूप में वर्णित करके नेतन्याहू अपना राजनीतिक करियर बना रहे हैं।